आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया जा रहा है। और लेकर आपका इतना बहुमत है, अब तो पहले 330 334 की, अपने तो 400 पार हो रहा है। भाजपा से जुड़े कुछ हैंडल्स और प्रमुख नेताओं ने ये वीडियो ट्वीट किया और कहा कि विपक्ष ने अभी से ही अपनी हार स्वीकार कर ली। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने ये क्लिप ट्वीट की और लिखा कि विपक्ष ने कर लिया स्वीकार, तीसरी बार में 400 पार। पीयूष गोयल और संबित पात्रा समेत कई नेताओं ने भी ये क्लिप ऐसे ही दावे के साथ शेयर की। तो क्या वाकई में कांग्रेस अध्यक्ष ने अभी से आगामी लोकसभा चुनाव के चलते हार स्वीकार कर ली? हमने वीडियो के बारे में छानबीन की और पाया कि वायरल क्लिप मल्लिकार्जुन खड़गे की स्पीच का अधूरा हिस्सा है। उनका पूरा भाषण सुनने पर हमें पता चला कि वायरल क्लिप बिना संदर्भ के साथ शेयर की गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे का ये भाषण संसद टीवी पर 2 फरवरी के इस वीडियो में है, जिसमें वो कहते हैं, और लेकर आपका इतना बहुमत है, अब तो पहले 330 334 की, अपने तो 400 पार हो रहा है। अरे 400, तुम चुन के आओ सर, मेरा दावा है ये लोग ठहर के चुन के आने दो सब नहीं, ये लोग ठहर के चुन के आने दो, पहले इनको पहले भेजो तब मालूम होता। ये सब मोदी के कृपा से आए हैं, तालियां बजाओ। ये मोदी के कृपा से आए तो तालियां बजा रहे, ठीक है। हम देखो MLA लड़े, MP लड़े, आज आखिरी वक्त इस राज्यसभा में आए। यहाँ के लोग तो पूरा मोदी जी के आशीर्वाद से ही आए हैं, और आशीर्वाद से आने के बाद उनका काम है तब बचाना। लीडर दे प्लीज। ऐसे लोग माने खड़गे जी ने आज वाकई में सत्य कहा, और सत्य के अलावा खुद से कहा उसको प्रूफ कर दिया। I think never a leader of opposition has been so applauded. It's a record. आपके बयान की इतनी तारीफ की जा रही है। देखो मेरे बयान की तारीफ नहीं, मैं वो भी समझता हूँ। तो यानी अपने आप को ढोल बजा रहे, 400 आएंगे पान। भाई आपके आने हैं, आपके आने हैं तो ये सब क्यों नहीं कर रहे? अब आप इस बार 100 भी पार नहीं कर सकेंगे, 100 भी। इंडिया स्ट्रांग है, इंडिया स्ट्रांग है। और यानी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण का अधूरा हिस्सा शेयर कर भाजपा और उनके कुछ प्रमुख नेताओं ने झूठा दावा चलाया कि कांग्रेस अभी से ही हार स्वीकार कर ली है। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनेत ने पीयूष गोयल के ट्वीट को कोट ट्वीट करते हुए इस वीडियो का पूरा संदर्भ शेयर करने के लिए भी कहा था।